प्लीज खुलिए, बहस नहीं करना चाहता। आई विल नॉट प्लीज। भाई आपको पेशाब करना है? हाँ खुलिए प्लीज। कसके बाथरूम लगी हुई है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। आप सोच रहे कि हम गंदे, अब हम खोलें कि नहीं खोलें? नहीं खोलना तो भी बताइए प्लीज। कितने लोग? कितने लोग? सिंगल है। आप तुम्हें पहुंच के फोन कर रहे हैं? आओ बैठो। क्या रुपए है? कर पापा से बता। मसाला खिला देना यार। हाँ? मसाला खिला देना। चलो ठीक। इंसानियत सही भैया चल रही है आजकल दुनिया, और कुछ नहीं जीवन में। इंसानियत दुनिया इंसानियत नहीं चल रही, दुनिया में 420 चल रही है आजकल। ये हर कोई नहीं समझता ना भाई। बस बस बस, जब बेल्ट लगा लो, अब नहीं तो ये। अभी गाड़ी ली है क्या आपने? ये भैया भाई वो होता ना, क्या बोलते हैं आपके में, आपके में उसको बेल्ट यहाँ है भैया, ये रहती है। अच्छा बस में नहीं होती हुई। ये है भैया हमारे ससुराल की तरफ से दी हुई गाड़ी। चलो बढ़िया, आप लोग में उसको वो कहते होंगे, बेल्ट लगी नहीं क्या, उसको कहते होंगे दहेज। आदमी अब लग्जरी गाड़ी में एसी बस में चलते हैं तो सब लग्जरी की हालत पड़ी हुई है। नहीं इसमें कोई कमी लग रही हो तो बताइए। नहीं 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 वो बात नहीं, तभी मैंने आपकी गाड़ी में बैठा। अच्छा इसीलिए बैठे, लग्जरी की आदत है। लग्जरी की आदत, एसी लग्जरी गाड़ियां हैं, उसी में चलते टू बाई टू बाई टू एसी है, उसी में आदत हम लोग की हो। अच्छा आदत चलते चलते हो गई खराब। अब चाहे खाना हो स्टैंडर्ड लेवल का चाहिए, नॉर्मल खाना पसंद नहीं है, तो जितना हाई प्रोफाइल में उतना ही नीचे एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। तो अभी सब आपका वो रहता है हाई फाई मामला? हाँ सब हाई फाई मामला ही रहता है। अब इमरजेंसी तो बात है नहीं कि चलो ऑटो से निकल जाओ रिक्शा चले जाओ, बात अपनी जगह है। नहीं सही है। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको ससुराल तरफ से, तोहफा मिला आपको। ससुराल से तोहफा तो मिल गया भैया, लेकिन बस गाड़ी मिल गई लेकिन ससुराल अच्छा नहीं मिला। क्यों भैया क्या हुआ? बस भैया समझ गए आप, शादीशुदा है अभी? हाँ बिल्कुल शादीशुदा है। बाल बच्चे? बाल बच्चे भी नहीं, अभी भी हमारी जून में शादी हुई है। जून में हुई अभी। आपको हमारा चेहरा देख के नहीं लगता होगा भैया, लेकिन हम बहुत परेशान। देखो हमें एक चीज जानते हैं, हम ऐसे दिखते होंगे हसमुख और ऐसे बढ़िया आदमी एकदम, वो हमारी बात। हमारे शादी से पहले इतने इतने हुआ करते थे बाल यहाँ तक। तू तो टेंशन की वजह से आपका टेंशन, हम दोनों नोटिस कर लिए थे इस बात को। नोटिस किया था हमने। असल में जो हमारा साला है ना वो साला सही नहीं। तो दारू बहुत पीता है, और दारू के बाद चक्कर ये है, अब आपसे क्या छुपाना भाई साहब, हमको मारता बहुत है। तो उस पर एक केस दायर कर दो ना, रिफाइल कर दो केस। भैया चक्कर अब ये है ना, देखो मेंटली टेंशन है आपको, मैं समझ गया। अब केस भाई एक बात बताओ, इतनी सी बात पे कौन मारेगा? हम थके आ रहे आके सोए हैं अपने ही घर पे, सोते हुए आदमी का मुंह खुला रह जाता भाई साहब कई बार। हमारे हल्का थूक निकल रहा मुंह से भाई, हमको झापड़ मार दिया सोते में, कह रहा थूक रहा है। अबे भाई अपने घर पे थूक रहे हैं, हमारा तकिया यार। फिर तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? बैठा रहता भाई कुछ नहीं। तो जबरदस्ती किसी घर में घुस जाओ तुम? अरे वो कहता भाई जीजा घर है, आए बहन से मिलने आए, आके दारू पीता है। तो बहन क्या कहती है? कुछ नहीं, अरे भैया बिगड़ा हुआ है भाई, वो ऐसा ही है, शुरू से ऐसा है, बर्दाश्त कर लो। अब चक्कर ये गाड़ी दे दी है तो उनको लगता है। तो क्या तुमने हमें खरीद लिया क्या? वही तो नहीं समझ पा रहे हम लोग, गाड़ी आपने दे दी हमें खरीद। आधा काम इस गाड़ी से उनका करता हूँ मैं। अच्छा भाई साहब ये तो छोड़ो, रात में कई बार उस दारू हमसे मंगवाता है। जीजा लेके नहीं आए, हमने जीजा लेके नहीं आया क्या मतलब? बोले ला दो एक, हम लोग साथ हो, हम जो ला के देंगे वो पीनी नहीं, उनको चाहिए महंगी, अपनी सस्ती पियेंगे। तो पैसा लो तो ले आओ, लेकिन महंगी वाली चाहिए तो हमसे चाहिए। नॉर्मली प्रॉब्लम है ये सब भैया, बहुत टेंशन है जीवन में। एक बार मियाँ बीवी का मसला हो तो आदमी बैठ के सुलटा सकता है, ये लकड़ी हम कैसे समझे। छठे महीने में पहला दिन था जब उसने हमको बेल्टी बेल्ट मारी है। तो करते क्या है आप? हमारा पहले असल में काम था वो जूता जो रहता है उसका पतावा बनाते थे, ये जो नीचे नहीं पतावा पड़ता जूते वो बनाते थे। लेकिन ये जो अब चीज हमारे साथ ऐसी हो रही है ना कि हम बाहर नहीं बता सकते भाई, किसी को बताएंगे कि आज हमारे साले ने हमको पेला है? आदमी हंसेगा मजाक उड़ाएगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भाई? Thank you.
अपने फोटो ले रहे हैं, कार में फोटो ले रहे हैं, डीपी वगैरह लगा रहे हैं, सही रहता है ना? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, हमको काई प्रॉब्लम है, फोटो इसलिए ले रहे हैं। अरे आप जैसे चला के फोटो ले लो, ऐसी कौन सी बात है, गाड़ी चलाते हुए फोटो ले लो। नहीं, तो अच्छा लगता है। हम लोग रहते हैं कहीं घूमने गए थे, ये बड़ा झूठ ही बोल सकते हैं कि आज कार से घूमने गए थे। हाँ, ये होता है ना, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे थोड़ा एक मिनट देख रहे साइड में देख लेंगे क्या कोई साथी अपने बैठे बैठे। अच्छा, देख लीजिए बस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पिताजी हमारे SSP हैं, इसमें पिताजी SSP हैं। हाँ, SSP हैं, कानपुर में है इसमें। तो भैया पुलिस डिपार्टमेंट में होगा आपका अच्छा खासा। हाँ, लिंक है, कोई प्रॉब्लम किसी थाने में चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उल्टी कहानी अगर हमारे ऊपर आएगी तो वो भी संभाल लेंगे आप? बिल्कुल 100%। अरे यार क्या समझ कर रखा हम, कोई चीज करने से पहले हम साइड इफेक्ट वाइड इफेक्ट दोनों देखते हैं। कोई केस फाइल भी नहीं कर सकते, हमें बस प्रमाण चाहिए। अब हमें कोई प्रूफ दे दीजिए, उनको अभी हम घसीटते हैं। हमें फोन करने की जरूरत है बस। अरे जिसके पिताजी SSP हो यार, उधर देगा किसी से? सही कह रहे हैं आप, हमको पहले मिल गया होता ना, अगर तुम्हारा बहुत काम हो जाता। हाँ, एक एप्लीकेशन डाल देते, आपको टेस्ट नहीं कर सकता है। कानपुर नहीं, पूरी ऑल इंडिया आप देखे जाए। सिक्योरिटी की व्यवस्था हम कर देंगे, सिक्योरिटी 24 घंटे मारे मारे आपके पीछे घूमेगी। हम भाई साहब, सही, आपका नाम क्या है? रोहित पांडे। आदमी बोले ये क्या हुआ, ऐसे लगे यूपी पुलिस ने पेला पकड़ के हमको। यूपी पुलिस ने कोई निशान, वो भी ऐसे ऐसे निशान आपको दिखा देंगे तो आप कहोगे की रेले ले मार खाओ क्या कहीं जाके। बहुत मनाने के बाद एक बार हम उसके साथ बैठे, जब वो पीने बैठा था, हमने कहा लो साथ में बैठिए, हमको ऑफर किया, हमने हम पीते नहीं है, तो भैया बैठाला कि हमको साथ में, जब हम नहीं पीते हैं, अब हम साले तुम्हारा जरा सा हम चखना खा गए तो तुमने उसमें उठा के मार दिया, हमको कह रहे चखना खा लेता। हमें टेंशन हो रही है, बात ये है कि इतनी उसकी हिम्मत पड़ी तो पड़ी कैसे। अच्छा, पहले सब ऐसी कहानियां वो सब जो टीवी में नहीं दिखाते, क्राइम पेट्रोल वगैरह उसमें देखा करते थे तो हंसते थे, जब हमारे साथ बीती ना तो हमको लगा हमारे ऊपर भी एक कहानी बन जाएगी। सबकी समस्या है अपनी अपनी है, कोई समस्या भैया सबको होती है, लेकिन समस्या का टाइप होता है। किसी की समस्या ऐसी होती है आदमी सुनता है, हमारी समस्या जो सही बताएं बुरा मत माने, हमारी समस्या बड़ी झांटू टाइप है, अगर हम इस भाषा में आपको बोले। माफ कीजिएगा, वैसे हम ऐसी चीजें बोलते नहीं है, लेकिन हमारी समस्या वाकई बड़ी झांटू टाइप है। संकोच क्यों कर रहे हैं? हाँ सपना बताओ है? तो अब खुंटी नहीं मिल रहा तो उसमें हमारी क्या गलती है, हमें क्या मालूम कहाँ है, बैठा होगा कहीं इधर उधर, पी रहा होगा और क्या कर रहा होगा। हमें नहीं आना यार, तुम देखो अपना काम, हम आएंगे देर से आज, हमारा इंतजार ना करो, हम रुक के आएंगे थोड़ा। अरे हमें नहीं मालूम यार, तुम फोन रखो। आप हमारे साथ हो ना? सर हम आपके साथ हैं ना, इसलिए नहर तक चल लोगे साथ में? हम तो आप नहर से पहले उतरेंगे, हम तो बस पकड़ेंगे ना, थोड़ा सा हाथ लगवा देना बस। साथ हमें भी ले चलना चाहते हैं अपने साथ है। जिसको जाना था, जो परेशानी थी भाई साहब, वो चला गया। हाँ। दो दिन से हम घर नहीं जा रहे हैं, साला हमारा पड़ा डिक्की में। डिक्की में? इस डिक्की में? जी हाँ। भाई हाथ जोड़ने की
किसी को बताना नहीं, नहीं परेशान बहुत नहीं, नहीं, नहीं हम कसम से बता रहे हैं आप फोटो डिलीट कर दें, आपको भरोसा फोटो नहीं बस भाई इसको कहीं रखवा दो यार। नहीं नहीं हम दो दिन से भाई ना जो करना हो करना, पर इसमें हमें मत लपेट लेते, हमने आपकी मदद का मतलब ये थोड़ी ना कि हम कल आप हमें ड्रॉप करिए छोड़िए ना, पता लो वो भी बताइए कि हम पाड़े जी हम आपको लपेटे मेरे वो भी बता दीजिए प्लीज। नहीं इधर भैया दो मिनट रखवा दो बस, बात सुनो मेरी पाने जी। ठीक 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 हम तो करवा दे सकते हैं, जो करवाना करवा सकते हैं, गाड़ी खुली यहाँ कहीं कहीं अंदर करवा दो, गाड़ी खुली है प्लीज। ठीक है ये क्रॉसिंग खुल जाए भाई, आदमी देखेगा ना। नहीं आप गाड़ी खुली है हम करवाएंगे, खुली गाड़ी से मैं नहीं खोलेंगे ना, गाड़ी हमको डिक्की पीछे घुमानी पड़ेगी ना भाई। आप गाड़ी प्लीज खोलिए तो, एक सेकंड प्लीज गाड़ी तो भाई हम गाड़ी खोल दे रहे हैं लेकिन डिक्की हमें पीछे घुमाना, ऐसे रोड पे थोड़ी उतारेंगे भाई किसी को। आप हमें गाड़ी खोलिए, मैं तो बाहर उतरूं, मुझे बाथरूम कसके लगी हुई है प्लीज, बाथरूम कसके टाइट प्लीज टाइट अंडरस्टैंड, गाड़ी खोल भाई हम बाथरूम करवा देंगे आपको। आप गाड़ी खोल रहे हैं नहीं खोले, हम गाड़ी खोल दे रहे हैं डिक्की घुमाने, डिक्की में पीछे करूंगा मेरे पास सामान का, आप डिक्की खोलिए प्लीज भाई डिक्की, मैंने कहा प्लीज गाड़ी खोलना ही नहीं भाई, पीछे पब्लिक खड़ी हम मर जाएंगे फंस जाएंगे, इसे माना करो। हमने आपसे लिफ्ट मांगा था ना, हमने आपसे मदद मांगी पाने जी, हम आपकी मदद करेंगे ना, इस तरह मदद नहीं करते, आप खोल रहे कि नहीं खोल रहे, हम खोल दे रहे ना, इसे तो आप बता दोगे किसी को हम फंस जाएंगे यार, हमने किसी हमको डिक्की घुमाने दो या किसी से नहीं बताऊंगा, मुझे गाड़ी खोलिए प्लीज, हमारी डिक्की खोलने भाई, गाड़ी घुमाने दो भाई, गाड़ी खोलिए प्लीज, पीछे घुमाने दो डिक्की इस तरफ करने दो भाई, ऐसे आदमी देख लेगा ना, बताओगे नहीं किसी को। आई प्रोमिस गॉड गिफ्ट किसम, गॉड गिफ्ट माँ कसम खा लू, चलो कोई बात, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ, माँ कसम खा सकता हूँ, हमको आप कैसे बचा सकते हो ये बताओ, हम आपको बचाने में हम आपको न्याय दिला सकते हैं, पर इस तरह रिस्क का हमें मतलब पेटी है, आपसे ने लिफ्ट मांगी आप इस तरह हमें गलत काम करवाएंगे, आप हेल्प भाई आप खुद सोचो इतनी लंबी कौन लिफ्ट देगा यार, लिफ्ट मतलब ये थोड़ी ना कोई गलत देख देता है यार, हम भी कोई चाह रहे होंगे भैया, अब ये देखो सामने खाली जगह इतनी बढ़िया पड़ी यार, आप हमें रखवा दो भाई, मतलब मैं प्लीज खुलिए बहस नहीं करना चाहता, आई विल नॉट प्लीज भाई, आपको पेशाब करना है, हां खुलिए प्लीज, कसके बाथरूम लगी हुई है या तुम समझ नहीं रहे हो, आप सोच रहे कि हम गंदे, अब हम खोलें कि नहीं खोलें, नहीं खोलना तो भी बताइए प्लीज भाई, देखिए अब हमने एक के साथ तो कर ही दिया, अब हम चाहे जो जिसके साथ आओ करें तब हमारे साथ कर दो, हमें सजा तो तब भी उतनी होनी है, एक के साथ भी उतनी होनी, दो के साथ भी, चार के साथ भी उतनी होनी, तो हमें मर देंगे आप, आपको ऐसा लग रहा भाई, आप तो हमारी मदद करने के लिए आए थे, अब आप धोखा दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा आप जो करवाना जो क्या करवाओ करवाओ, अभी उसका चेहरा दिखाया कितना जालिम है, आप हमें एक बार उसका चेहरा एक बार चेहरा देखो उसका कितना जालिम आदमी है, आप हमसे डिग्गी इस तरह बनवाए हैं, एक आपके साथ इस तरह भाई आप पेशाब रोके हो हमारे जीवन का सवाल है, हमने कहना मतलब हमारा ये बताइए हमारे जो हमने आपके साथ क्या गुना किया, इस समय लपेटे में रुपीस भैया, हमने आपको क्या लपेटे में लिया, आपने खुद हाथ दिया, हम रुक गए गाड़ी लेके, आप इसको खोलिए प्लीज, इसको बेल्ट खोले, हाँ बिल्कुल प्लीज खोलिए, हमें हम आपके सपोर्ट देंगे प्लीज, इसको खोलिए प्लीज, रिकॉर्डिंग चाहे कर रहे हैं तो कर लीजिए रिकॉर्डिंग, इसलिए कैमरा आप करवा के रखे हुए हैं जी, नहीं इसकी वजह से नहीं है, कैमरा गाड़ी में लगा लगाया आता है कैमरा, अब इसको खोले प्लीज भैया प्लीज खोले प्लीज, मित्र समझा करें, हम इसका क्या करें हमको बता दो, हम जो आपको करना हो करिए प्लीज, हमें खोलिए लेफ्ट वाला, हमें इस तरह गलत काम करवाएंगे आप, हम आपसे क्यों गलत काम करेंगे भैया, आप खुलिए हमसे क्या चाहते हैं, खोलो, आपने जैसे ही आपने बोला पिताजी एसएसपी में हमारी उम्मीद बढ़ गई, हमने बोला भाई हमारी मदद करेगा, हम तो आप हमें खोलेंगे तभी तो भैया, आप चार लोगों को बुला लोगे यहाँ बता दोगे हम फंस जाएंगे, भैया तुम्हारी कसम खा रहे हम नहीं करेंगे प्लीज, हमें क्यों परेशान, भाई खा लो विद्या रानी कसम, विद्या रानी कसम चलो, अरे हॉर्न ना बजाओ भाई कोई आ जाएगा यार, विद्या रानी कसम अभी तो खोलेंगे प्लीज, नहीं खोलना यार भाई तुम समझ नहीं रहे हो, नहीं हम खोले कि नहीं खोल रहे हो, रुको मैं पुलिस की फोन लगा रहे हैं, अरे जी आप बात नहीं समझ, पुलिस के आपके तो खुद के पिताजी हैं यार पुलिस में, रुको तो हम आए तो हमें ब्लैकमेल कराना चाहते हो, हम क्या ब्लैकमेल करें, हम खुद फंस जाएंगे अभी यार, हमने कहा आप हमको फंसा दोगे, हम उल्टा डर रहे हैं आप कह रहे हो, आप हमको आपने क्या किया जो हम आपको ब्लैकमेल कर देंगे भाई, भैया हमें खोड़ा हम फंस रहे हैं, आपसे हम लिफ्ट मांगे तो आप हमसे गलत काम कराएंगे, हमने कहा आप हमें ड्रॉप करेंगे इसी बहाने, भाई आप कोई नहीं समझे ना, भाई मेरिया समझ रही है बात को ना, हमने आपसे लिफ्ट मांगी थी ना, आपको मसाला खिलाना, आपको मसाला खिलाना, पर हमसे गलत काम करवाएंगे प्लीज भैया, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं अब आप पता जी हमें नहीं छोड़ना, गलत काम करवाएंगे तो हम भी अपना रास्ता निकालें प्लीज, हमसे बस यहाँ बोरी रखवा दो, हाँ तो खोलें गाड़ी खोलें प्लीज, डिक्की खोल लें भैया, सुनिए डिक्की खोल लें, मेरी बात सुनिए, बात तो सुनो, बात तो सुनिए, पूरा भू रेड एफएम से, रेड एफएम से पूरा भू, इधर यार तुमने वैसे, अरे इधर आओ बैठो मजाक कर रहे थे मेरे भाई, रेडियो सुनते हो रेड एफएम, आओ बैठो 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 एक सेकंड बैठो, मेरी बात यार तुमने नेटवर्क की बात करी इस तरह मामले में, सुनो तो मेरी बात यार, इधर बैठो यार, तुमने यार हमें घबरा क्या, अबे यार मेरे भाई
दहेज लेना पाप है, दहेज के खिलाफ आवाज उठाएं, दहेज के खिलाफ आवाज उठाएं, धर्म पत्नी को भी प्यार दें, साले को भी प्यार दें, धर्म पत्नी को प्यार दें, साले को भी प्यार दें। आरजे पूरब को लाइक करें, आरजे पूरब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी है, सब्सक्राइब यार आपने ऐसे हमें डरवा दिया यार, हम कसम से विश्वास नहीं करता भाई।